40 साल से नहर बनने का इंतजार, पर जिस दिन हुआ उद्घाटन उसी रात ढह गई नहर। किसानों को सिंचाई का पानी तो नहीं मिला, अलबत्ता खेतों में खड़ी फसल जरूर चौपट हो गई। ये मामला है झारखंड के हजारीबाग जिले का, जहां कोनार नहर परियोजना का मुख्यमंत्री रघुबर दास ने 28 अगस्त को उद्घाटन किया, पर ये नहर एक दिन भी नहीं चली। इसका तटबंध टूटने से गोस्को गांव में दर्जनों किसानों के खेतों में पानी भर गया। इससे मक्का और धान समेत कई फसलें चौपट हो गई। बगल में मेरा दो खेत था बड़ा बड़ा, मेरा गोतिया लोग का भी खेत था, उसमें धान लगा हुआ था। लगभग 5-6 एकड़ का जमीन है, उसमें सारा मिट्टी मतलब भर गया, खेत में पूरा मिट्टी भर गया। विभाग के लापरवाही के कारण आज नहर टूट गया और मेरा घर द्वार वगैरह जितना था सब बह गया, सब मतलब फसल भी बर्बाद हो गया है और घर वगैरह सब धस गया है। कोनार नहर परियोजना को बनाने पर लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत आई है, लेकिन इसके इस तरह से टूटने के बाद इसके निर्माण में धांधली के सवाल उठ रहे हैं। इस 2200 करोड़ रुपए की योजना में 22 रुपए का लाभ तो अभी हुआ नहीं, लेकिन लाखों रुपए का किसानों का नुकसान हो गया। तत्काल मांग करते हैं सरकार से कि तत्काल सबसे पहले जो किसानों के जो फसल नुकसान हुए हैं, धान के फसल नुकसान हुए हैं, अरहर के फसल हुए हैं, घर देख रहे हैं, मकान बाउंड्री टूटे हुए हैं, इनको मुआवजे देने की गारंटी की जाए। नहर के निर्माण में धांधली हुई है या नहीं, अगर हुई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब तो तभी मिल पाएंगे जब सरकार इसकी जांच कराए। फिलहाल नहर टूटने से फसलों का खामियाजा उठाने वाले किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग से दिनेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।